नमस्कार, अभिलाषा की रसोई में फिर से आपका स्वागत है। मैं आज एक ऐसी रेसिपी लेकर आपके सामने आई हूं, जिसे खाने से फैमिली का हीमोग्लोबिन तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ हर किसी के चेहरे पे एक मुस्कान भी आ जाएगी। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी होती है। सर्दियां शुरू होते ही हर घर में गाजर का हलवा बनने लगता है, लेकिन क्या कभी आपने चुकंदर से इस रेसिपी को ट्राई किया है? हम सभी जानते हैं कि चुकंदर हमारे लिए कितना फायदेमंद है। इसके फायदे अगर आपको जानने हो तो आप एक बार गूगल जरूर कीजिए, आपको बहुत सारे फायदे नजर आएंगे इसके। आज तक आपने बच्चों को चुकंदर की पूरी और पराठे बनाकर खिलाए होंगे, जिससे उन्हें उसका फायदा मिले, क्योंकि सलाद के रूप में कच्चा बीटरूट तो वो खाना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। लेकिन आइए, जो ये रेसिपी आज मैं शेयर करूंगी वो उसे बहुत खुशी खुशी खाएंगे और हमेशा आपसे उसकी डिमांड करेंगे। इसके लिए मैंने पैन में यहाँ पर 1 टीस्पून घी ले लिया है, उसमें 1/4 कप मिल्क डाला है, और उसके साथ ही जब हल्का सा वो गर्म हो जाए तो उसमें 1/2 कप हम मिल्क पाउडर डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हमें चलाते हुए इसे ड्राई करना है। मिल्क पाउडर से हम इंस्टेंट मावा बनाकर तैयार करेंगे। इस मावा का यूज जब हम इसमें करेंगे ना, तो ये इसके टेस्ट को इतना ज़्यादा बढ़ा देगा कि बच्चे बहुत खुशी खुशी इसे खाना चाहेंगे। आप चाहें तो इसमें दूध का फ्रेश मावा भी डाल सकते हैं, या फिर इसकी जगह मिल्क पाउडर भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, मावा हमारा ड्राई हो चुका है, अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसे अलग करके रख देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर 3 चुकंदर लिए हैं। आजकल बाजार में बहुत ही फ्रेश चुकंदर आ रहा है, तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए और अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइए ये रेसिपी बना के, उन्हें बहुत पसंद आएगी। ये देखिए, मैंने चुकंदर को छील कर यहाँ पर काट कर लिया है, और अब मैंने यहाँ पर एक ग्रेटर लिया है। इस ग्रेटर से हमें इसे ग्रेट करना है। इसके बड़े वाले पार्ट से ही हम इसे ग्रेट करेंगे, जिससे आसानी हो और इससे बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और जब ये हलवा गल जाएगा तो खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। ये देखिए, ऐसे हम इसे ग्रेट कर लेंगे अच्छे से। खून बढ़ाने में ये चुकंदर इतना ज़्यादा फायदा करता है कि आप अपने बच्चों को इसे ज़रूर खिलाइए। ये देखिए, मैंने सारे चुकंदर को ऐसे ग्रेट कर लिया है, और ये देखिए, ग्रेट करते समय मेरे हाथों में चुकंदर का रस लगा, जिससे ये देखिए कितना लाल हो गया है। बहुत ही बेनिफिट वाला ये चीज़ है, जिसे आप ज़रूर खिलाएं अपने बच्चों को। अब चलते हैं इसे पकाने के लिए। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून घी लिया है और उसमें इस बीटरूट को डाल दिया है। 3 कप के करीब ये हमारा बीटरूट है, इसे हम डालकर और 2 से 3 मिनट तक भुनेंगे। अगर आप बच्चों को ना बताएं कि ये किस चीज़ की रेसिपी है, तो उन्हें ये और टेस्टी लगेगा, क्योंकि बीटरूट के नाम पे उन्हें ये उतना पसंद आएगा नहीं, लेकिन टेस्ट इसका इतना अच्छा होगा कि वो समझ भी नहीं पाएंगे कि ये आपने किस चीज़ से बनाई है। अब मैंने यहाँ पर 2 कप के करीब दूध डाल दिया है। आप चाहें तो ज़्यादा दूध भी डाल सकते हैं, क्योंकि जब ये दूध गाढ़ा होकर खोए के रूप में आएगा तो बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनेगी। अब देखिए, कवर करके मैंने करीब 10 मिनट तक इसे चलाते हुए कवर करके पकाया है, जिससे कि ये जो बीटरूट है हमारा वो अच्छे से गल जाए। आंच को मैंने लो रखा था, जिससे कि कम आंच पे ये अच्छे से गाढ़ा भी होता जाए और बीटरूट हमारा गलता भी जाए। 10 मिनट के बाद मैंने इसे बिना कवर किए ही गाढ़ा होने तक पकाया है। अच्छे से हम बीच बीच में चलाते रहेंगे, नहीं तो दूध हमारा नीचे सट भी सकता है। ये देखिए, पूरा अच्छे से ड्राई हो चुका है हमारा। अब मैंने यहाँ पर 1/4 कप चीनी डाला है। आप चीनी अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अच्छे से चारों तरफ से चलाते हुए, चीनी डालने से ये थोड़ा और गीला हो गया है, तो फिर से हम इसे पका लेंगे। ये देखिए, देखने से ही लग रहा है ना कितना टेस्टी, कलर तो इसका इतना खिल के आया है कि बस बनाते ही खाने का मन होने लगे। इसके बाद मैंने यह ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, हेल्दी चीज़ है तो उसमें उसे और भी हेल्दी बनाया जाए। कटे हुए काजू लिए हैं मैंने, बादाम लिया है, आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला है, 1 टीस्पून करीब। पिस्ता भी डाल सकते हैं, किशमिश आपको पसंद हो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि ये रेसिपी मीठी है उसमें किशमिश मुझे नहीं पसंद, इसलिए मैंने नहीं डाली है। आप चाहें तो इन ड्राई फ्रूट्स को घी में भुनकर भी डाल सकते हैं,
अब मैंने जो ये मावा बनाया था उसे ग्रेट करके मैंने इसमें डाल दिया है ताकि इसे ये एक साथ चिपका ना रहे और पूरे हलवे में अच्छे से मिल जाए। थोड़ा मावा मैंने गार्निशिंग के लिए रख लिया था और पूरा मावा मैंने इसमें डाल दिया है। इस मावे को डालने से इस हलवे का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। दूध भी हमने इसमें अच्छे खासे मात्रा में डाला है, मावा डाला है, तो समझिए कि बस ये डिलीशियस सी ऐसी रेसिपी है कि आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बच्चे खुद ब खुद खाएंगे इसे। ये देखिए लग रहा है ना बहुत यम्मी, और सच में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है और हेल्थ के हिसाब से तो ये फ़ायदेमंद है ही। तो बस मुझे तो लग रहा है कि हर कोई ये वीडियो देखने के बाद सबसे पहले इस रेसिपी को ही बनाने की सोचेगा ताकि अपनी फैमिली को हेल्दी चीज़ें दे सके। ये देखिए ये जो मावा मैंने थोड़ा बचाया हुआ था इससे इस पे गार्निशिंग के लिए मैं यूज कर लूँगी। और ये देखिए मावा डालने से ये और यम्मी दिखने लगा ना, तो बस बच्चे तो टूट पड़ेंगे इस पे, बच्चे भी खुश और मम्मी भी खुश। आप चाहें तो इस पे और भी ड्राई फ्रूट्स से गार्निशिंग कर सकते हैं। मैंने सिर्फ काजू डाला है क्योंकि ये रेड कलर का है, उसके ऊपर मैंने व्हाइट डेकोरेशन रखा है। अगर आप चाहें तो इस पे पिस्ता से भी गार्निशिंग कर सकते हैं। बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही फ़ायदेमंद ये रेसिपी। जब भी आप कुछ टेस्टी बनाते हैं तो आपको लगता है कि हर कोई इसे पसंद करे, लेकिन इस रेसिपी को तो खासकर आप चाहेंगे कि आपके फैमिली मेम्बर ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें और खाएं, क्योंकि आपको उनके हेल्थ की भी तो चिंता रहती है। तो बस बच्चों को चुकंदर खिलाने का टेंशन अब बिल्कुल ख़त्म हुआ। इस हलवे को बनाकर आप रख दीजिए और वो खुद से मांग मांग कर खाएंगे। अगर आप गाजर का भी हलवा बना रहे हैं तो उसमें भी अगर एक चुकंदर डाल देंगे तो उसका भी बेनिफिट बच्चों को मिलेगा और गाजर के हलवे का कलर जो होता है वो भी बहुत प्यारा आता है। तो एक बार आप गाजर के हलवे में भी चुकंदर का यूज करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका हेल्थ बेनिफिट मिल सके। और हाँ, अगर अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। मिलती हूँ आपसे फिर एक और नई रेसिपी के साथ एक और नए वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। Thanks for watching.